आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आज हम लोग बात करेंगे प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम है क्या? सबको पता है कि प्राणायाम में हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, सांस लेते हैं, एक तरीके से सांस लेना है, छोड़ना है, रोकना है। हाँ, तो प्राणायाम ऐसा एक्सरसाइज है जिससे हम प्राण वायु को अपने अंदर लेते हैं और उसको अपनी बॉडी पे वर्क होने देते हैं। हमारी बॉडी का जो अपर पार्ट है ना, ये हमारी बॉडी में एनर्जी की इनपुट का काम करता है। हमारे मुंह से हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है और हम सांस लेते हैं। तो हमारी बॉडी, हमने बायोलॉजी में पढ़ा है कि सेल से शुरू होता है, फिर टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से पूरा ऑर्गन सिस्टम और फिर पूरी बॉडी बनती है। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारी बॉडी का एक एक सेल एनर्जाइज होता है। प्राणवायु, अगर आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी को बहुत एनर्जी देने का काम करता है। वो अंदर जाके जो भी हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड है उसको बर्न करता है और फिर हमें एनर्जी मिलती है बॉडी को रेगुलेट करने के लिए। हमारे एक एक सेल्स हेल्दी होते हैं, जो सेल्स डेड हो चुके हैं वो बॉडी से बाहर होने लगते हैं, जो सेल्स बीमार हैं वो हील होने लगते हैं। तो प्राणायाम में बहुत ताकत है। बहुत तरह के वर्कआउट होते हैं, हम सांस बहुत रिग्रस वर्कआउट करते हैं तो तेज़ तेज सांसें लेते हैं, अगर हम योगा करते हैं तो उसमें भी एक पैटर्न से हम लोग सांस इनहेल और एक्सहेल करते हैं। वो सारी चीज़ें हमारी बॉडी पे वर्क करती हैं, लेकिन जो बात प्राणायाम में बताई गई है, जो सिर्फ ब्रीदिंग को फोकस करके बताई गई है, आप बैठे बैठे अगर ब्रीदिंग करें तो आप अपनी बॉडी को सेल्फ हील कर सकते हैं, बॉडी को स्ट्रांग बना सकते हैं, एक एक सेल पे वर्क कर सकते हैं प्राणायाम को करके। बहुत तरह के प्राणायाम हैं, अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका है, सूर्य भेदन है, कपाल भाती है। आज हम लोग बात करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। इतना सिंपल प्राणायाम है, इसमें कुछ नहीं करना है, सांस लेना है और छोड़ना है बस, लेकिन एक लय में, एक रिदम में। तो क्या करना है, सांस लेना है और छोड़ना है, होल्ड नहीं करना है ऐसे। ये भी स्लो हुआ तो जो एल्डर लोग हैं या फिर जो थोड़े बीमार हैं वो इस स्पीड से सांस ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन जो कम्प्लीटली फाइन हैं और जो योगा कर रहे हैं और जो सांसों को लेके जिन्हें कोई रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम नहीं है, कोई ब्लॉकेज नहीं है, वो और फास्ट कर सकते हैं। दो से पाँच मिनट इसको करिए और ट्रस्ट मी, देखिए बॉडी में आपको कितनी हीट फील होती है। आपको ये फील होगा कि कैसे बॉडी के अंदर बर्निंग हो रही है, बर्निंग इन अ गुड सेंस कि आपके एक एक सेल जो है वो एक्टिवेट हो गए हैं, बॉडी एनर्जाइज हो रही है। तो जो हेल्दी है वो दो से पाँच मिनट करें, जो एल्डर है या थोड़े बीमार है वो स्लो प्रोसेस में करें, लेकिन इसको डेली करें। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपकी बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। रेस्पिरेशन से रिलेटेड तो बीमारियां ज़रूर ठीक हो जाती हैं, अगर ब्लॉकेज है, साइनस है, वो सारी चीज़ों का ध्यान रखता है। प्लस अगर स्ट्रेस है या फिर बॉडी में बहुत जगह से ब्लॉकेज फील होते हैं तो जब आप सांस लेते हैं तो ये ऑक्सीजन उन सारे सेल्स जगहों पर जाता है और सबको एनर्जाइज करता है, सबको हील करता है। तो ये बहुत ही कारगर और चमत्कारी प्राणायाम है भस्त्रिका। इस प्राणायाम को कहते हैं भस्त्रिका। एक बार फिर करेंगे स्लो पेस से और फास्ट पेस से। पहले स्लो करके दिखाती हूं। फास्ट फोर्स से हवा को बाहर लेना है और बिल्कुल फोर्स से हवा को खींचना है, फोर्स से बाहर करना है। आपने ये बात नोटिस की होगी कि जब मैं इनहेल और एक्सहेल कर रही हूँ तो मैं अपने एब्डोमेन में नहीं, हवा को चेस्ट में ले रही हूँ। कैसे? एब्डोमेन में नहीं, हवा लंग्स में जानी है, ठीक है, उससे ब्लड प्योरीफाई होता है। तो आप ये भस्त्रिका रेगुलरली करें और आपको क्या फ़ायदा होता है, कैसा फील होता है, आप मुझे ज़रूर बताएं। और कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी बात आपको पूछनी हो, कुछ भी डाउट हो
या और भी कुछ जानना हो तो प्लीज मुझे बताएं, कमेंट करें और कांटेक्ट करें, मेल आईडी पे मेल भेज सकते हैं. तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप डूइंग प्राणायाम एंड स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी. थैंक यू.